हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं। आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर आप अपने देश में पड़ोसी मुल्क का जिक्र करते हैं या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते हैं तो आपको देश का गद्दार देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। और अमूमन हमारे देश का माहौल कुछ ऐसा ही बना हुआ है जो लगातार मुसलमानों को टारगेट करते हैं। सुबह आंख खुली तो मुसलमानों को गाली, रात आंख बंद हुई तो मुसलमानों को गाली। लगातार बीते 4-5 सालों में हमारे देश का ये सिनेरियो बना हुआ है, पर ना ही आज तक कभी नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की और ना ही जो उनके नेता हों चाहे तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग जो लगातार मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। एक ऐसा ही मामला पाकिस्तान में भी हुआ जहां हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर पाक पीएम के मंत्री को इतना भारी पड़ गया कि रातों रात उनको हटा दिया गया। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना और संस्कृति मंत्री फैयाज अल हसन चौहान को हिंदुओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद पद से हटा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुज़दार ने फैयाज चौहान को इस बयान के बाद तलब किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी में किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौहान ने हिंदुओं को गाय का मूत्र पीने वाला बताते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद से ही उनकी जमकर आलोचना हो रही थी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सक फैयाज चौहान और हैशटैग हिंदू टॉप ट्रेंड में भी रहे। उनके बयान के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेताओं ने भी उनकी जमकर आलोचना की थी। चौहान ने 24 फरवरी को लाहौर में एक कार्यक्रम के दौरान ये विवादित बयान दिया था, लेकिन इसका वीडियो क्लिप सोमवार को वायरल हुआ। प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक मामलों के सलाहकार नईमुल हक ने एक ट्वीट में कहा था कि पीटीआई इस तरह की बकवास को बर्दाश्त नहीं करेगी, भले ही सरकार का कोई वरिष्ठ सदस्य या कोई अन्य ऐसी बात कहे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, हिंदू समुदाय के खिलाफ पंजाब के सूचना मंत्री फैयाज चौहान के अपमानजनक बयान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से सलाह लेने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तानी झंडे में जिस गर्व से हरा रंग शामिल है उसी गर्व से सफेद रंग भी है जो हिंदू समुदाय के योगदान का सम्मान करता है और उन्हें अपना मानता है। वहीं मानवाधिकार मामलों की मंत्री श्रीन मजारी ने भी चौहान की आलोचना करते हुए कहा, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। किसी के धर्म पर हमला करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हमारे हिंदू नागरिकों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। हमारे प्रधानमंत्री का संदेश सहिष्णुता और सम्मान का है और हम किसी भी तरह की नफरत को बढ़ावा नहीं दे सकते। बालकोट में भारतीय वायुसेना के हमले के बाद पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की ओर से सोशल मीडिया पर यह विरोध किया जा रहा था कि भारत की इस कार्रवाई की आलोचना करने वाले हिंदू धर्म को क्यों इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता कपिल देव ने भी ट्विटर पर अपने संदेश में कहा कि हमें पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत और देश प्रेम दिखाने के जवाब में
पीटीआई के मंत्री फैयाज चौहान से ये मिला कि वो ये सोचे बगैर कि यहाँ 40 लाख हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के लिए गाय का पेशाब पीने वाले जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी में ही हिंदू सांसद भी हैं। वहीं विपक्षी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के नेता ख्वाजा आसिफ ने फैयाज चौहान को जाहिल करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तान धार्मिक रंग और नस्ल के बंटवारे के बिना 22 करोड़ पाकिस्तानियों का देश है। अदाकार माहिरा खान ने भी कहा कि सिर्फ आलोचना ही काफी नहीं है, सूचना मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाक पीएम ने हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर अपने मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया, यहां तक कि उनका इस्तीफा ले लिया गया और उन्हें हटा दिया गया। जब पाक के ये मंत्री हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी वाणी बोल रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ जहर घोल रहे थे, तो इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पाकिस्तान के बुद्धिजीवी लोग जो पाक में अमन चाहते हैं वो इस वीडियो को इतना वायरल करते हैं कि पाक पीएम को मजबूर हो जाना पड़ता है कि वो अपने इस मंत्री का इस्तीफा लें और इन्हें उनके पद से हटा दिया जाए, ताकि जो ये कार्रवाई करी जा रही है उसके बाद कोई भी ऐसी जरूरत ना कर सके जो इस मंत्री ने किया है। और पाक पीएम ने लोगों को संदेश देने के लिए जो एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया के सामने गया है, जहां ये बताने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में हिंदू सेफ नहीं है, हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम डिबेटों में संबित पात्रा को ये बोलते हुए सुना गया और कई बार इसके ऊपर लंबी लंबी डिबेट की गई कि पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल बुरा है। तो सोशल मीडिया के जरिए ही कुछ महीने पहले कुछ पाकिस्तान के हिंदुओं का वीडियो वायरल होता है जो अपनी पूजा यात्रा के लिए सड़कों पर निकले होते हैं और तमाम लोग उसे बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो नफरत भरा माहौल हमारे लिए बनाया जा रहा है और जिस तरीके से हमें विक्टिम बना करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम पड़ोसी मुल्क के लोग कर रहे हैं वो असल में गलत है। हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित हैं, हम लोगों को पूरी आजादी है और देखिए कि कैसे हम लोग अपनी इस पूजा यात्रा को सड़कों से लेकर के गुजर रहे हैं। इसी में हमें पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है, पाकिस्तान की जो राजनेता है उनका सहयोग मिल रहा है, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कृपया करके आप भ्रम फैलाने की कोशिश देश में ना करें और ना ही हमारे नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करें। जब ये वीडियो पाकिस्तान से वायरल हुआ तो रातों रात हाहाकार मच गया और लोग संबित पात्रा के उस डिबेट के क्षण को निकाल करके और उस वीडियो को जोड़ करके सोशल मीडिया पर यह बताने की कोशिश करने लगे कि देखिए कैसे एक नफरत का जहर घोला जा रहा है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया वो वाकई काबिले तारीफ है, पर यहां जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जो लोग दिन रात भारत में मुसलमानों को नीचा दिखा करके, मुसलमानों को गाली दे करके अपनी टीआरपी बना रहे हैं और लगातार अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं, उन पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कब लगाम लगाएंगे। ऐसे ही कुछ नाम जहन में आते हैं। पहले लिस्ट में है गिरिराज सिंह, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। साक्षी महाराज, साध्वी प्रज्ञा, साध्वी देवा ठाकुर, तमाम ऐसे नाम जो ये राजनेताओं को इतना बड़ा पद मिला हुआ है और खासकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को तो आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके उनका रेप करना चाहिए। इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हुए हैं।
भारत में ये माहौल हो चला है जहां जो जितना नफरत फैलाएगा उसे उतने ऊंचे पद पर बैठा दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने क्या मैसेज दिया दुनिया के सामने, वो हम लोगों के सामने आ चुका है। जहां नफरत फैलाने की कोशिश हिंदुओं के नाम पे की गई तो उसे पद से बेदखल कर दिया गया ताकि ऐसा कोई और कदम या कोई ऐसी बयानबाजी पाकिस्तान के हिंदुओं के खिलाफ ना हो, उसके लिए भी एक बड़ा सबक बन गया। काश अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही अपने जो बड़बोले नेता हैं उनके ऊपर लगाम लगाई होती तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती और 2019 के रुझान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ और हो सकते थे। ये तो बात हुई हमारे देश के राजनेताओं की, जो तमाम लगातार बड़बोले बयान दे करके अपनी राजनीति बनाने में लगे हुए हैं और इन्हीं की नफरत को देख करके जो यूथ पर असर पड़ रहा है वो वाकई बहुत जहरीला होता जा रहा है, जिन्हें देख करके उपदेश राणा, दीपक मिश्रा जैसे नफरती चिंटू जो आए दिन मुसलमानों को गाली देने का काम करते रहते हैं, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश, भ्रामक तस्वीरें हम लोगों के सामने लाते रहते हैं, जिसे देख करके अफसोस होता है कि आखिरकार ये किस तरीके का माहौल देश में बना रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग में मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है तो हमारे प्रधान सेवक खामोश रहते हैं, जहां कहीं दलितों के ऊपर मॉब लिंचिंग में अत्याचार होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए भी नहीं थकते कि मेरे देश के दलितों को कुछ मत कहो, जो कहना है मुझे कहो। कभी उनके मुंह से मुसलमानों के लिए ये शब्द नहीं सुने गए। जिसे लेकर के इमरान खान की तारीफ हो रही है तो वहीं भारत के कुछ अमन पसंद लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार देश में नफरत फैलाने वालों पर आप कब लगाम लगाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो कदम बीते दिनों में उठाए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है और दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। जहां हर बात में हमारी मोदी सरकार को, मोदी को श्रेय देना आसान होता है, जहां 24 घंटे के भीतर अभिनंदन को छोड़ दिया गया, उसके पीछे की वजहों को खंगालने की कोशिश नहीं की गई और हमें बता दिया गया कि 24 साल में सरबजीत हमारे पास नहीं आए, आए तो उनका शव हम लोगों के पास आया, तो वहीं मोदी जी के हुंकार से, मोदी जी के दबदबे के कारण 24 घंटे के अंदर अभिनंदन देश में वापस आ गए। आखिरकार इस मामले में कितनी सच्चाई है वो आप और हम बेहतर जानते हैं। अगर इसके ऊपर मुंह खोला तो आप देशद्रोही, देश के गद्दार घोषित कर दिए जाएंगे और अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान कह करके आपको जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। वही एक पुराने नाम से मुसलमान है तो आतंकवादी है। अगर ये लगाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन नफरत फैलाने वाले नेताओं पर लगाई होती जो आए दिन सोशल मीडिया पर बैठ करके मुसलमानों को गाली देने का काम करते हैं, अगर इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया होता तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में तारीफ हो रही होती। तो ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।